मिनटमा मैं शादी करने वाला हूँ। रूम है और आज मैं घर पे थोड़ा सा प्रैंक करने वाला हूँ। शादी करूँ भनेको म। हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम आलोक गुरुंग और आप लोग सबको मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं। एक आपको वेलकम करते। तो गाइस, जो भी नया है वो सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। ओके, अभी मैं घर पर हूँ, तो बाहर बहुत धूप लगी है, तो इसीलिए बाहर निकलने का कोई मन नहीं है। और गाइस, मैं ये मेरा रूम है और आज मैं घर पे थोड़ा सा प्रैंक करने वाला हूँ। घर पे मेरे माँ को बोलने वाला हूँ कि माँ, मैं शादी करने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए। मैं बोलता हूँ उसको थोड़ा ऐसा क्या बोल के, तो आप लोग देखिए फर्स्ट वाला ये ब्लॉग मतलब कोई। तो गाइज, तो ये डायरेक्ट एडिट कुछ नहीं, कट शॉट कुछ नहीं करूँगा, डायरेक्ट डाल दूँगा, जो भी आएगा सब डायरेक्ट दिखाई देंगे आपको। तो गाइज स्टे ट्यून, और ये हिंदी में हो रहा है। तो गाइज ओके, बाय बाय, लेट्स सी व्हाट हैपन। गाइज ये बाहर है हमारा, ये घर का बाहर। तो यहाँ पर ऐसा है, पहले मेरा घर दिखा देता हूँ आप लोग को। ये घर पे ये मेरा फूल है, ये मम्मी ने सब रोपा है। तो यहाँ पर ऐसा है घर का पारी पार, और मेरा मम्मी वहाँ पर है। मम्मी को मैं प्रैंक करूँगा, आप क्या बोलते हैं देखते हैं। आमा जी के भन्छ, मम्मी मैं शादी करने वाला हूँ, क्या करूँ? हाँ, साँच्ची नै भनेको, साँच्ची नै भनेको। तिन बजीतिर चाहिँ जाँदैन है, जान्छ भने अहिले एक बजीतिर गइहाल्छ। तिन बजीतिर म भ्याउँदिनँ आमा, शादी गर्नु भनेको म। है, टेन्सन नपरे मलाई के हुन्छ? अब उमेर भएन, मेरा त उमेर होगा न, क्या होगा? अरे डामले भेट्छ साइले, को बाबा? म त बाबालाई पनि भनौँ भनेको। बिहा गरेर तेरो बाउको हक नै खाउँछस् बुढीलाई? बिहा गरेर तेरो बाउको हक नै खाउँछस् बुढीलाई? कि बुढीलाई अब पालिहाल्छु नि म, तपाईँहरू पाल्ने पनि होइन। मम्मी खाना पस्किदिनु। देख लिया छोटा सा ये मेरा ब्लॉग, उसको क्या बोला था मैंने, तो इतना गुस्सा हो गया। अब यहाँ से ज़्यादा नहीं करूँगा, और मैं अब यहाँ से ज़्यादा वो उसने बहुत नेपाली में चाप दिया, सुन गया होगा जो नेपाली है उसको आ गया। तो आमा कभी कभी टक्सिंग मारेगा तो मर जाएगा। तो इतना ही है, बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही ब्लॉग आता रहेगा, ऐसे ही फनी आता रहेगा। तभी